Subscribe Daily Law Learn. Daily Law Learn. Do you subscribe? Press the bell icon like a mensha, please. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल डेली लॉ लर्न। सो आज जो मैं जॉब के हिसाब से डिस्कस करने वाली हूँ वो है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरियों का ऐलान हो चुका है जिसकी महाना तनख्वाह जो है 80,000 से 1,50,000 तक है। मर्द खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस। ये हम जो आज है PPSSC का जो नोटिफिकेशन आया, एडवर्टाइजमेंट आई है कि इसमें जॉब्स जो वैकेंसीज अभी खाली हुई हैं उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओनली कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी जॉब्स वैकेंसीज हैं, क्या मतलब जो एलिजिबिलिटी है, कितने का चालान है, कैसे पे होगा, ये आज हम फुल इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट में डिटेल सारी बताई हुई हैं कि कौन कौन सी जो जॉब्स हैं अभी वैकेंसीज में खाली हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। सो हम लिस्ट में सारा कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। पहली जो जॉब है वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, देन डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड पंजाब, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वेलफेयर लाइफ फिशियर डिपार्टमेंट, ज़कात डिपार्टमेंट, पंजाब कुरान बोर्ड, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग विंग्स। ये जो डिटेल लिस्ट बनी हुई है ये मतलब इसमें हम ये जॉब्स वैकेंसीज हैं जिसमें ये जगहें खाली हैं इसमें हम अप्लाई कर सकेंगे। वाटर मैनेजमेंट विंग है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ये सारी डिटेल्स मतलब जो लिस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मतलब वैकेंसीज हैं इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पंजाब बोर्ड है मतलब उन्होंने ये कहा है एडवर्टाइजमेंट में कि हमारे पास वैकेंसीज खाली हैं, सिर्फ इसमें कौन अप्लाई करेगा, जो पंजाब प्रोविंसेस के हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं और कोई ऑल ओवर पाकिस्तान वाले अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ पंजाब वाले ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज हैं ये सारी एडवर्टाइजमेंट में बताई गई हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है क्या। अब ये लिस्ट ऑफ अवेलेबल जॉब वैकेंसीज इन लेटेस्ट PPS एडवर्टाइजमेंट। अब जो भी ये प्रोजेक्ट हैं मतलब जो भी ये सीट्स हैं इसमें ये खाली हैं जिसमें हम अप्लाई करेंगे। और इन्होंने ये भी बताया है कि इसमें जब पंजाब बोर्ड है इसमें कोई मेल हो या फीमेल हो, ये इसमें कोई भी ये नहीं कि मेल करें या फीमेल, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये करें या नहीं करें। उन्होंने ये भी बताया है कि कौन सी एलिजिबिलिटी हो, कौन सी मतलब जो डिग्री हमने की है कौन सी हो, कौन सी हद तक हो, कितनी एज लिमिट है, ये भी हम सारा जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें सारी वैकेंसीज है, असिस्टेंट असिस्टेंट सिक्योरिटी, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब, इंजीनियरिंग सिविल, ये सारी जो हैं वैकेंसीज़ हैं जो अभी खाली हैं, ठीक है। अब हम एलिजिबिलिटी करेंगे और ये पढ़ेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इस जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें से पहले हम ये करेंगे कि जो एज लिमिट है वो एज लिमिट है 33 ईयर्स, ठीक है, मैक्सिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 33 ईयर्स एंड 5 ईयर जो है एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। उसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है वो 1 सितंबर है। अब हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, ठीक है, चले डिस्कस करते हैं। क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने बोला है कि हर जो डिपार्टमेंट है, हर जो भी वैकेंसीज दी गई हैं उसमें हर कैटेगरी में अलग अलग जॉब्स की जो हैं क्वालिफ़िकेशन है वो आप लिंक में जब क्लिक करेंगे तो आपको मतलब अलग अलग बताया जाएगा, ठीक है। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी जिसमें आप डिटेल्स में अप्लाई कर सकेंगे और मज़ीद इसमें जो मालूमात है आप जान सकेंगे पूरा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट से। जाने से पहले हमें ये लाजमी याद करना है कि जो उसकी लास्ट डेट है वो 1 सितंबर है, ठीक है। 1 सितंबर पे हम जो इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये मतलब एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें शॉर्टकट चाहिए, एक्सेल चाहिए, किसी पोस्ट में ग्रेजुएशन चाहिए, किसी में मैट्रिक की नीड होती है, इसमें सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो चालान है वो
600 रुपये का चालान है जो हम बैंक पे जाएंगे, 600 रुपये का चालान पे करके हम अपनी जॉब्स में जो भी सिलेक्टेड जॉब है हमें सूटेबल होगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्टर्स जो हैं मैं वो आपको शेयर कर दूँगी फुल डिटेल में, इसमें आप देख सकेंगे कि जो एज है कितनी है, डोमिसाइल कौन सा चाहिए और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एजुकेशन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर दीजिएगा। अगर उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ बात समझ में नहीं आए, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स में सारा कुछ समझा दूँगी, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आप अगर पंजाब से हैं तो लाजमी इसमें अप्लाई करें, ये बहुत अमेजिंग जॉब्स हैं और उसकी तनख्वाह जो है मतलब 80,000 से 1,00,000 1.5 लाख तक है। मेन पॉइंट ये है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेहनत करते हो और उसमें अप्लाई करते हैं एंड आपकी सिलेक्शन भी हो जाती है, देन यू आर लकी फॉर दिस, आपकी जो है अच्छा फ्यूचर बन जाएगा और अच्छी इनकम भी हो जाएगी। सो मज़ीद मालूमात के लिए, ऐसी वीडियोज़ जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और अपनी बहन को लाजमी सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस और अपलोड करके आपको बताती रहूं और न्यू अपडेट्स देती रहूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।